5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया, तो बहुत सारे विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया के बयान बहादुरों का कहना था कि अब कश्मीर तो गया। जाहिर है ये मिर्च पाकिस्तान को अधिक लगी थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने वैसी ही बातें कहीं जैसी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, पर जम्मू कश्मीर ने इन बातों को, बयान बहादुरों के अंदेशों और भविष्यवाणियों को झूठा ठहराना शुरू कर दिया है। कश्मीर में पर्यटन पटरी पर लौट गया है और इस साल कश्मीर घूमने गए लोगों की संख्या पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। आज के शो में बात हिंदुस्तान के सरताज कश्मीर की। यह है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमनजीत ठाकुर शो। जम्मू कश्मीर से पिछले कुछ समय से परेशान करने वाली खबरें आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस इलाके में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गायब हो गए हैं पत्थरबाज। और अच्छी खबर यह है कि इस बार कश्मीर जाने वाले सैलानियों की संख्या में आया है भारी उछाल। इस सीजन में पहुंचे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पर्यटक। आज के शो में दिखाएंगे कश्मीर की खूबसूरत दूधपत्री घाटी, जिसका अनछुआ सौंदर्य आपकी आंखों और रूह को पहुंचाएगा सुकून। ये चलेंगे श्रीनगर में मखदूम शाह के दरगाह, साथ में दिखाएंगे कश्मीर में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक दरबार यूनिसिया के बारे में, दिखाएंगे आपको वायरल हो चुके एक शिव स्त्रोत के बारे में जो कश्मीरी में लाया गया है। जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब कुछ लोगों को लगा था कि इससे कश्मीर अशांत हो जाएगा। इसी तरह द कश्मीर फाइल्स के बाद जो एक फिल्म थी, कश्मीरी पंडितों पर हमले बढ़े तो एक बार फिर से दोष एक फिल्म पर डाल दिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन पटरी पर लौट रहा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं उस पर लगाम लगी है। 2016 में पत्थरबाजी अपनी उफान पर थी और 2500 से अधिक घटनाएं पत्थरबाजी की हुई थी। 2019 में ये करीबन 2000 पर आ गई, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पत्थरबाज गायब हो गए और साल भर के भीतर महज 250 घटनाएं पत्थरबाजी की रह गई। यानी पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई है। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में होने वाली आतंकवादी वारदातों में भी कमी आई है। जम्मू और कश्मीर में 2018 में 614, 2019 में 594, 2020 में 244 और साल 2021 में 229 आतंकी घटनाएं हुई। यानी आतंक की घटनाओं में कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर में बेपटरी हुआ पर्यटन अब पटरी पर लौटाएगा, लेकिन इसके बाद दुनिया भर में कोविड महामारी फैल गई। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर में 100% टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने मुस्तैदी से पूरा किया और उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल में छूट के साथ ही सैलानियों ने फिर से कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे सभी पर्यटन स्थलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दे दी। डल झील के आसपास के होटल और हाउस बोट भी खुल चुके हैं। पर्यटकों को झील के चारों ओर शिकारे की सवारी करते हुए और सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की को उम्मीद है कि गर्मियों का सीजन अच्छा बीत रहा है और ये और भी अच्छा आगे चलेगा। इस बीच पर्यटन को वापस पटरी पर लाने के लिए पर्यटन विभाग और इससे इस उद्योग से जुड़े हुए लोग भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि 2021 में विंटर टूरिज्म में अच्छा कारोबार करने के बाद एक बार फिर लॉकडाउन के चलते कश्मीर के पर्यटन को भारी मार झेलनी पड़ी थी और सभी एडवांस बुकिंग्स कैंसिल हो गई थी और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हालात पहले से बहुत बेहतर हो चले हैं। अप्रैल 2022 में यानी इसी साल एक रिपोर्ट आई कि जम्मू और कश्मीर में पर्यटन में 20% की वृद्धि हुई है और जून और जुलाई के महीनों के लिए बुकिंग भी हो चुकी है। फरवरी में श्रीनगर एयरपोर्ट पर करीब 400 पर्यटक रोजाना उतर रहे थे और अब ये संख्या और भी अधिक बढ़ गई है। 4 अप्रैल का दिन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास के लिए खास रहा, क्योंकि ये इसका अब तक का सबसे व्यस्त दिन रहा था। इस रोज़
90 उड़ानें इस एयरपोर्ट पर उतरी या यहां से उड़ी और 15,000 से अधिक लोग इस एक रोज पर एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। श्रीनगर में करीबन 60,000 से अधिक होटल के कमरे हैं और इनमें एक साथ 1,00,000 लोग रह सकते हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सकता है और इन सभी की बुकिंग 30 जून तक पूरी तरह फुल थी। घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि गुलमर्ग गोंडोला का भी फेज 1 कुछ दिन पहले शुरू किया गया है। कश्मीर में पर्यटन में पिछले 3 साल ठीक नहीं गुजरे थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और केंद्रीय पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सिर्फ मार्च में ही घाटी में 2,00,000 पर्यटक पहुंच गए थे। जनवरी से 15 मई 2022 के बीच कश्मीर घाटी में 7,00,000 से ज़्यादा सैलानी आए और ये संख्या पिछले 10 साल में सबसे अधिक है। सैलानियों की ये संख्या इसलिए भी उत्साहजनक है क्योंकि पिछले साल इसी अवधि में कश्मीर घूमने के लिए जाने वालों की संख्या महज 1,25,000 थी। अब हालत ये है कि आप कश्मीर के होटल बुक कराना चाहें घाटी में किसी भी जगह तो आपको कमरा शायद ही मिले। अब कश्मीर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इतने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हज़ारों की संख्या में लोगों को ना कहना पड़ रहा है क्योंकि ठहराने के लिए उनके पास कमरा ही नहीं है। और इस बार उत्साह अधिक इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने श्री अमरनाथ यात्रा को भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। कोविड काल के बाद आयोजित इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लोग उमड़ पड़े हैं। प्रशासन ने इस बार 8,00,000 लोगों के पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कराने के इंतजाम किए हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए पलक पांवड़े बिछाए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में जो यात्रा के मेहमान आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर के लोग, कश्मीर वैसे ही एक ऐसी धरती है जहाँ मेहमान नवाजों का, मेहमानों का एक घर है। और अगर अमरनाथ यात्रा में होटलों पे बाकी भी गवर्नमेंट को अगर अरेंजमेंट करने में कोई दिक्कत होती है तो बाकी जितनी भी पब्लिक है सिविलियन जो उन्होंने अपने घरों को खुला रखा है उन मेहमानों के आने के लिए, इस वास्ते हम यात्राओं के जितने भी मेहमान आने वाले हैं उनको हम खुशादा उम्मीद कहते हैं और बड़ी शौक से बड़े प्यार से वो आके अपने यात्रा पे अमरनाथ यात्रा में जाएं। वैसे पर्यटन विभाग के आंकड़े ये भी बताते हैं कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के बीच कम से कम 80,00,000 लोग जम्मू और कश्मीर घूमने के लिए जा चुके हैं। हालांकि लोगों की चिंता सुरक्षा को लेकर रही है क्योंकि समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद से घाटी में कम से कम 17 कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा चुकी है और कई लोगों ने इसके लिए पीछे एक फिल्म को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। लेकिन सैलानियों को इसे लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घाटी में सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता हैं और इसके साथ ही कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भी नए तरीके तलाश रही है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान की जा रही है जो टूरिज्म के डेस्टिनेशन बन सकते हैं। पूरे हिमालय में 137 पर्वत चोटियां विदेशी सैलानियों के लिए खुली जा चुकी हैं, जिनमें से 15 जम्मू और कश्मीर में हैं। कश्मीर में सैलानियों की बढ़ती आमद से दो चीज़ें पुख्ता हो गई हैं। पहली कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की हायतुबा बेअसर है, हास्यास्पद है, और साथ ही कश्मीर को लेकर छाती पीटने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बेअसर हैं। दूसरी बात कि पर्यटन के पटरी पर लौटने से जम्मू कश्मीर में विकास और निवेश में तेजी आएगी। हाथों में पत्थर और आंखों में गुस्सा लिए कश्मीरी नौजवान अब रोजगार पा रहा है, पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। वहां पर जो दाखिले की दर है उसमें करीब करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है और उसकी दिलचस्पी शांति और सुकून के साथ आगे बढ़ने और तरक्की में भागीदार बनने में ज़्यादा है और उसे पाकिस्तान की कारिस्तानियों का असली खेल भी समझ में आ गया है। कश्मीर में पर्यटन पटरी पर लौट चुका है और ये पिछले 10 साल में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचे हैं इस बार, और अमरनाथ यात्री भी करीब करीब 8,00,000 जाने वाले हैं। तो इस उद्योग को जो बूस्टअप मिल रहा है, अभी हमारे उर्दू के संपादक वाले मंसूरुद्दीन फरीदी साहब कश्मीर होकर के आए हैं, बहुत लंबा अरसा वहाँ पर करीब 10 दिन घूम करके आए हैं। तो हमारे उर्दू के संपादक मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे और साथ में कश्मीर जाने वाले हैं और ख़ास करके जो कश्मीर की जो घटना है उस पर बहुत नज़दीकी निगाह रखते हैं। आवाज़ हिंदी के संपादक
मलिक असगर हाशमी साहब, इन दोनों से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि जो 2019 के बाद जो लग रहा था कि कश्मीर तो गया हाथ से, या एक फिल्म आई उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अब तो वहाँ पर हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें एक पॉजिटिव चीज़ वहाँ दिख रही है कि लोग जाना शुरू हो गए हैं, वहाँ का पर्यटन उद्योग पटरी पर लौट रहा है। फरदी साहब, सबसे पहले तो अभी से कि आप जो वहाँ देख करके आए, वो माहौल बताएं जरा। मंजीत, मैं भी तकरीबन 10 साल के गैप के बाद कश्मीर गया था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये थी कि कश्मीर में टूरिज़्म के साथ साथ एक जो नाइट लाइफ कराती है, शाम की ज़िंदगी होती है, रात तक चलती है, वो लौट आई है कश्मीर में, जो सबसे बड़ी कमी थी। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर आप जाइएगा, अगर वहाँ शाम में हलचल ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चेंज नज़र आई कश्मीर में, एक तो जो टूरिस्ट का जो सैलाब था वो देखने में आया, और दूसरा शाम में सूरज डूबने के बाद जो इस तरह लोग सड़कों पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, वो बहुत बड़ी तब्दीली थी। ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा डल लेक का, कि जिस उसी सड़क के ऊपर जहाँ पर मैं अपने होटल में अपने कमरे में बैठा हुआ था, रात को मेरी बीवी बच्चे रात 12 बजे तक डल लेक के ऊपर घूम रहे थे, और वो अकेले नहीं थे, उस वक्त सैकड़ों टूरिस्ट जो थे पूरे हिंदुस्तान से आए हुए, वो रात को शिकारों पे घूम रहे थे और सड़क पे भी घूम रहे थे, चहलकदमी हो रही थी। तो वो एक बहुत बड़ी चेंज है। और उसके साथ एक चीज़ थी कि श्रीनगर में एक नया कल्चर देखा कि अब वहाँ पर रात को एग्जीबिशंस लगती हैं, जैसे 10 दिन की 15 दिन की, तो उसमें टूरिस्ट जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं ख़रीदारी के लिए। ऐसी चेंजेस आई हैं जो पहले कभी देखी नहीं थी। इवन लाल चौक, जिसको आप समझते थे पहले कि ये टेररिस्ट जो होते हैं वो अपना अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए वहीं पर जो भी करते थे, तो वो एक ऐसा इलाका था, बहुत सेंसिटिव इलाका था, लेकिन लाल चौक में ऐसा हुआ है कि लाल चौक में रात 8 बजे तक तो दुकानें खुली रहती हैं, 9 बजे तक, उसके बाद भी जो रेहड़ी वाले होते हैं, बट जो छोटी दुकानें लगाते हैं फुटपाथ के ऊपर, वो 11 बजे रात तक 12 बजे तक खुली रहती हैं। अच्छा। और वहाँ पर शॉपिंग चलती रहती है 11 बजे तक। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, और कोई असर आपको महसूस नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा खौफ है, ख़तरा है, बिल्कुल नहीं, सब बेखौफ खा रहे हैं। और जो दिल्ली में आप पानी पूरी खाते हैं, वो पानी पूरी लाल चौक में हर 100 मीटर के ऊपर वो खड़ा हुआ है, और ज़्यादातर वो भागलपुर के हैं, ज़्यादातर वो मतलब बिहार के हैं, और वो बेखौफ कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज देखने में आई है। लाल चौक से डल लेक तक जो लाइफ है टूरिज्म की और शॉपिंग कमर्शलाइज जो हुआ है, उसने पूरा नक्शा बदल दिया कश्मीर का। हाशमी साहब, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर कुछ दिन पहले, मतलब मैं कहूँगा 3 साल पहले, 5 अगस्त 2019 को, कश्मीर में लगे न लगे सोशल मीडिया के बयान बहादुर ये कह रहे थे, या जो कश्मीर के सियासतदान हैं वो कह रहे थे कि अब तो कश्मीर में बहुत कुछ हो जाएगा। और कश्मीर के ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 क्यों हटाया। तो उसके बाद जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, बेशक कोरोना काल आया, 2 साल में पूरे देश में पर्यटन की गतिविधियां रुकी रहीं, तो अब जो एक बूम आया है, सिर्फ व्यापार की दृष्टि से नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से, और 5 अगस्त 2019, और अब हम जब जुलाई के महीने में बैठे हैं, क्या आप परिवर्तन देखते हैं? बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। अब डेलीगेट्स आ रहे हैं, विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, पूंजी निवेश की बात हो रही है, एक पूरा क्लस्टर चेंज हो रहा है उस पर। इंडस्ट्री उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री का पूरा एक चंक आएगा पूरा वहाँ पे। तो भारी बदलाव है, और हमेशा हमारे लिए कम से कम, परिधि साहब तो पहले भी रहे, वो कह रहे हैं कि 10 साल के बाद गए थे, हमारे लिए हमेशा वो रहस्यमयी स्थल जैसा है। और मेरी बीवी जब भी बात होती है तो ओलाना देते हैं कि शादी को 25 साल हो गए तो अभी तक कश्मीर लेके नहीं गए। और मैं जब भी सोचता था, बस हर बार ये डर होता था कि वहाँ जाएंगे बच के भी आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। फरीदी साहब जब भी जा रहे थे तब भी कोलाहल था मन में कि क्या होगा, मतलब। लेकिन जब बातचीत हुई, फिर वहाँ से इनके तस्वीरें आने लगी, और फिर हमने भी साहस किया, फिर बाद में चूँकि बारिश का सिलसिला था, इस वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन इसको मतलब जाने वाला है, हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा और उम्मीद है कि जल्दी जाऊंगा। जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो परिस्थिति बदली है, कुछ समय तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, फिर कोरोना काल आ गया, और अब जो बूम है, अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिछला सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पर्यटकों को लेकर के। इसके अलावा सरकार जो है, कश्मीर का जो अभी फ़िलहाल जो ज़रिया है वो पर्यटन ही है, और सरकार पूरी तरह से विकास पे लगे हुई है। 80 के करीब जो है गांव चुने गए हैं जिसको डेवलप किया जाएगा, और उससे बेरोज़गारों को उससे जोड़ा जाएगा, रोज़गार से जोड़ा जाएगा उसको। तो आने वाला, मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है
वो और पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ ज़्यादा विकसित होगा कश्मीर, ऐसा मुझे लगता है जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है। 2019 के बाद ना पत्थरबाजी की घटना भी धीरे धीरे कम होती चली गई। 255 2021 में वो भी कश्मीर के श्रीनगर में नहीं, अगल बगल के इलाकों में हुआ है। तो मतलब 2016 में 2500 से अधिक पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और 2021 में 255। देखिए पत्थरबाजी को हम ऐसे जोड़ लेते हैं कि पत्थरबाजी में हमेशा बच्चों का इस्तेमाल होता था। अभी हमने खबर छापी कि उसमें 26% ख़ासतौर से जो ज़िले हैं जिसको कहते हैं आतंकवाद प्रभावित ज़िले हैं, वहाँ एडमिशन का जो स्तर है वो 20-21% तक बढ़ गया है। यानी कि जो जिस पे हम कहते थे कि वो पत्थरबाजी में शामिल रहते हैं वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो भारी परिवर्तन है। और जब ही कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी वगैरह अब एक दास्तान सी हो जाएगी एक आध साल के बाद, जो पत्थरबाजी करते थे और जो लोग करवाते थे वो सब अब समझ चुके हैं जो कराते थे वो कहाँ हैं, और जो जिनसे करवाया जाता था अब वो पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए अभी जो UPSC के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें ठीक ठाक रहा, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीज़ें हम बदल रही हैं सकारात्मक रूप से। फरीदी साहब, आप जब वहाँ गए तो आपने श्रीनगर में कहा कि एक नाइट लाइफ चेंज हो गया, आप तो दूध पाथर वगैरह भी गए, यानी थोड़ा सा अलग है, करीब 50 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है? क्या जैसे आपने वहाँ पे जो वहाँ के स्थानीय जो व्यंजन है उसका लुत्फ लिया होगा, उनसे बात भी हुई होगी, तो किस तरह का परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? मंजीत, जैसे हम लोग पहले पहलगाम गए, पहलगाम में 3 रात रहे हम लोग। पहलगाम में जो चेंज देखी वो ये थी कि एक ज़माने में इलेक्शन कवर किया था या उसके बाद गया था तो पहलगाम वीरान था। अभी पहलगाम में एक होटल, एक रात को होटल लेना मुश्किल हो रहा है, मतलब इतने टूरिस्ट वहाँ पर हैं। पैसा आता है, टूरिज़्म आती है, पैसा आता है, खुशहाली आती है, तो ज़ाहिर बात है लोगों को अच्छा लगता है वहाँ, चाहे वो घोड़े वाले हों जो घोड़े पर सवारी कराते हैं, होटल वाले हों, हर आदमी का बिज़नेस जो है वो ऊपर जा रहा है, तो खुशहाली आती है। और दूसरी बात ये कि कश्मीर की मेहमान नवाजी जो थी वो शुरू से मशहूर है, कोई नई चीज़ नहीं है। और आप एक चीज़ बताऊँ, 90% टूरिस्ट जो होगा इसमें नॉन मुस्लिम है जो कश्मीर से घूम रहा है, 10% मुस्लिम होगा मेरे ख्याल में। तो जो 90% जो नॉन मुस्लिम कश्मीर में जा रहा है ना, वो उनके मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर होते हैं, चाहे वो होटल वाले की हो, चाहे वो टैक्सी वाले की हो, चाहे घोड़े वाले की हो, उनको उनका अखलाक, उनका रवैया बहुत अच्छा लगता है। और लोकल लोग जो हैं, जाहिर बात है वो इस बात को मानते हैं कि जिस सड़क पर आज से 7 साल पहले 4 दुकानें थीं, आज वहाँ 40 दुकानें हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ शो कर रहा है कि आपका बिजनेस, आपकी इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। तो जाहिर बात है जब खुशहाली आएगी तो मूड भी अच्छा रहेगा, चीज़ अच्छी लगती है। सुरक्षा के क्या इंतजाम थे आप तो क्या, हालांकि कश्मीर को सुरक्षा पर सवाल करना ही ऐसे ही, हाँ लेकिन मान लो बॉर्डर भी है, लेकिन मंजीत जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि किसी ने कहा फौज है, लेकिन देखिए कश्मीर के हाईवे के ऊपर आप जाइएगा तो आपको फौजी ज़रूर नज़र आएंगे सुरक्षा के लिए। हाईवे पे 10-20-30 मीटर के ऊपर फौजी जवान तैनात हैं, एक और उनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, जो भी मौसम हो, उनको उस जगह पे खड़ा रहना है। लेकिन जब आप आबादी में आते हैं तो वहाँ वो चीज़ कम हो जाती है, और जब टूरिस्ट प्लेस पर जाइएगा तो आपको कश्मीर पुलिस भी नज़र नहीं आएगी, वहाँ आर्मी तो दूर की बात है, कश्मीर पुलिस नज़र नहीं आती, एकदम आपको कोई ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं। बिल्कुल वो जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो आपके लिए ही हैं जो भी हाईवे वगैरह पे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको सारी बात है टूरिस्ट को जो ख़तरा होता है उसको टालने के लिए वो रखना पड़ता है। लेकिन आपको कभी भी कहीं भी घुटन खो का एहसास नहीं होगा। लाल चौक पे आप रात को 10 बजे तक घूमते रहिए, 11 बजे तक घूमते रहिए, कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि आप वापस चले जाओ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी सुरक्षा का इंतज़ाम है उसके लिए थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर कहीं पर भी आर्मी नहीं है, एकदम सुकून से आप घूम सकते हैं। कहीं कहीं आपको बंकर नजर आएगा तो उनकी ड्यूटी है, वो आपको कुछ बोलते ही नहीं है, आराम से घूमिए, कोई मसला नहीं है। वो आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है, एक एतमाद पैदा करता है कि भाई हमारे लिए खड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी। सैलानी वो सुकून से घूम रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल फरीद हाशमी साहब, सुकून उड़ गया होगा पाकिस्तान का? हाँ, इस मामले में तो सुकून, उसको तो खुशी तब मिलती है जब हम थोड़ी सी बेचैनी की हालत में हों, लेकिन पिछले 3 सालों में उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है हमारे सुकून को देख करके। उम्मीद है कि हम सुकून से होंगे और जो बेचैन होने वाले हैं वो तो बेचैन आत्मा ही रहेंगे। मेरे ख्याल में नई नस्ल जो है ना कश्मीर की नई नस्ल जो है ना इस पुराने खेल को समझ चुकी है, तो वो अब नए रास्ते पे नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार है। तो कश्मीर जो है वो नई राह पे चल रहा है, वो राह जो है वो तरक्की की राह है, वो विकास, निवेश, एजुकेशन, तालीम की राह है। और इसके साथ जो है हम आपसे ये उम्मीद करेंगे आप देश के किसी भी हिस्से में घूमते रहे हो आप कश्मीर जरूर जाएँ। और एक रिपोर्ट हमने इसमें जो है हम दिखाने वाले हैं आपको, वो है दूध पाथर घाटी की, हमारे फरीदी साहब घूम के आए, बिल्कुल स्वर्ग के भीतर एक स्वर्ग है।
तो वहाँ भी ज़रूर जाएं। और बेशक वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे दरगाह हैं, सूफी संतों की जगह हैं, आप वहाँ जाएं, दर्शन करें और नेचुरल ब्यूटी जो है वहाँ की उसका आनंद लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरीदी साहब और आशमी साहब इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और हम दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब श्रीनगर के हरी पर्वत के पास मखदूम साहब की दरगाह की बात, जो कश्मीर की सबसे खास दरगाहों में एक है और ये कौमी एकता का शानदार प्रतीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ये बात बिल्कुल सही साबित होती है मखदूम साहब की दरगाह में, जो श्रीनगर में हरी पर्वत के पास स्थित है। मखदूम साहब की दरगाह कश्मीर की सबसे खास दरगाहों में से है। हिंदुस्तान की रूहानी और बातिनी बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें सुल्तान औलिया हिंदुन वली अताय मुस्तफ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दिल्ली से लेकर ढाका तक जितने भी मुसलमान फैजियाब हुए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बदस्त, और इसी तरह यहाँ हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम मखदूम शेख हमज़ा कश्मीरी, यहाँ पे रूहानी और बातिनी मौरिफत के बादशाह हैं, और यहाँ पे जितने भी अवलियाए किराम हैं पूरे जम्मू कश्मीर में उनके बादशाह माने जाते हैं। और जो भी मतलब यहाँ पे आप देख लें, आपने फरमाया कि सूफीज़म, सूफीज़म का मंबा यहाँ सुल्तान आरिफीन महबूबुल आलम कोही मारम का ये मौरिफत का फैज़ यहाँ पे है। शेख हमजा मखदूम या हजरत सुल्तान के नाम से मशहूर सूफी संत के नाम पर बनी ये दरगाह कौमी एकता की प्रतीक है। इस दरगाह पर हर कौम के लोग आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ धर्म या जाति, स्त्री या पुरुष जैसा कोई भी भेदभाव नहीं है। आपसी विश्वास, प्रेम और सद्भावना के मूल मंत्र को लेकर चलना ही सूफियों का मकसद है, और यही कश्मीर की मूल भावना है। यही कश्मीरियत है, यही हिंदुस्तानियत का वो धागा है जिसने पूरे देश को पिरो कर रखा है। कश्मीर को सूफियों और ऋषियों की भूमि कहा जाता है। सर्वधर्म संभाव यहाँ की भूमि में है। कश्मीरियत और हिंदुस्तानियत एक साथ एक विरासत के तौर पर यहाँ फलती फूलती है। देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें कश्मीर की जो धरती है उसकी जो कश्मीरियत है उसकी खुशबू आपको मिलेगी। कश्मीर ऋषियों और सूफियों की परंपरा का इलाका है। यहाँ के संस्कृति में इस्लाम, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का मिलाजुला रूप दिखाई पड़ता है। कश्मीर की ऋषि और सूफी परंपरा ने मिलकर कश्मीर की साझी संस्कृति का निर्माण किया है। बेशक पड़ोसी देश ने इस संस्कृति को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐसे ही लोगों में एक हैं अलहाज पीर मियां मकबूल उर रहमान नक्शबंदी, जो हर धर्म के लोगों में अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये इतिहाद जो है, ये ह्यूमैनिटीज कम्स फर्स्ट, इंसानियत का दर्स जो है हमारा इस्लाम देता है, इंसानियत का दर्स जो है हमारा मज़हब देता है, इंसानियत का दर्स जो होता है ये पूरी मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए सूफिया इकराम, औलिया इकराम का मिशन है। आपसी इतिहाद, भाईचारा, बरादरी, एकता, इकट्ठे रहना जो है ये इंसानियत का दर्स है। इसी दर्स को मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए जो तख्लीक का हकीकी मकसद है, इसी मिशन को औलिया इकराम और सूफिया इकराम फॉलो करते भी हैं और करवाते भी हैं। हिंदुस्तानी तहजीब की उनकी इन्हीं बातों से हजारों लोग उनके अनुयायी बने हैं। नक्शबंदी दरबारे यूनसिया के सज्जादा नशी हैं और वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। शांति भी शक्ति भी भक्तों की गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति परीत में है। गुरु नानक जी महाराज बहुत बड़े संत, बहुत बड़े फकीर गुजरे हैं,
वो कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, पूरी यूनिवर्सल, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात का मालिक के कुल जो है वो मेरा रब है, एक अल्लाह है, निरपो निर्वैर। आगे कहते हैं वो निरपो निर्वैर, कहा कि आपस में इंसान को जब मालिक ने पैदा किया, निरपो निर्वैर, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद चोरी बदमाशी डिगेटी बुरे पाप करना बुरे काम करना, फरमाया कि ये बिल्कुल इंसान के जहन से दूर रहना चाहिए, दूर होने चाहिए। इस्लाम के सच्चे अनुयायी पीर मियां मकबूल उर रहमान ये मानते हैं कि दौलत शोहरत और रुतबे से अलग हर इंसान बराबर है। आपस में भाईचारा इत्फाक ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इस पे काम करो। सूफिया का ओलिया का बुजुर्गों का संत गुरु महापुरखों का यही मैसेज है और हमारी खानकाह हमारे दरगाह किसी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है सबसे। उन्हें लोग पीर बाजी के नाम से भी जानते हैं जो गरीबों और वंचितों की भलाई के लिए काम करते हैं। पीर मियां जैसी शख्सियतें कश्मीरियत और हिंदुस्तानी तहजीब की रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से लगभग 700 साल पहले अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा था। अब भी हर साल लाखों पर्यटक घाटी घूमने जाते हैं, इस बार तो सबसे ज्यादा गए हैं, लेकिन लगभग सारे ही लोग सिर्फ श्रीनगर गुलमर्ग या पहलगाम तक ही सीमित रहते हैं, कुछ सोनमर्ग भी चले जाते हैं। इनके अलावा भी कश्मीर में घूमने के लिए कई सुंदर जगह हैं। अभी मेरी सलाह मानिए और अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो कम से कम एक दिन का प्रोग्राम दूध पथरी का भी रखिए। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए यहाँ कई रूट हैं, साथ ही घूमने वाली कई दूसरी जगह कुछ ही घंटों की दूरी पर है। मेरे ख्याल में दूध पथरी कश्मीर का भी कश्मीर है, स्वर्ग के भीतर एक और स्वर्ग। कश्मीर तो हिंदुस्तान का स्वर्ग है ही, लेकिन क्या आप स्वर्ग के भीतर एक और स्वर्ग नहीं देखना चाहेंगे? पीर पंजाल रेंज के भीतर बसा दूध पाथर कुदरत की खास देन है। दूध पाथर यानी दूध की घाटी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूध पाथर हाल ही में जम्मू कश्मीर के पर्यटन लिस्ट में शामिल हुई है। दूध पाथर बेहद शांत और खूबसूरत इलाका है। कटोरे के आकार की यह घाटी बडगाम जिले में है। कुछ लोग कहते हैं कि घास के किनारे बहने वाली नदी इतने बहाव से नीचे की ओर गिरती है कि इसका पानी एकदम दूध की तरह हो जाता है और इसलिए इस घाटी को दूध पाथर कहा जाता है। इसके अलावा एक कहानी कश्मीर के एक प्रसिद्ध संत शेख नूरुद्दीन नूरानी से जुड़ी है कि जब संत ने जमीन में अपनी छड़ी से खुदाई की तो उसमें से दूध की धार बहने लगी। कहानी जो भी हो पर दूध पाथर में नदी में पैर डालकर बैठने का आनंद ही कुछ और है। हालांकि अभी अधिकतर पर्यटक इस घाटी से अनजान हैं, लेकिन एक बार आप अगर दूध पाथर हो आए तो आपका मन बार बार वहां जाने को करेगा। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और ऐसे में वहां अद्भुत भाईचारा देखने को मिलता है। आज हम आपको छोड़ जाते हैं गुलजार अहमद गनाई के संगीत के साथ, जो जम्मू और कश्मीर के जाने माने कलाकार हैं और उन्होंने कश्मीरी में शिव भजन को संगीतबद्ध किया है और इसे उन्होंने अपने अमरनाथ यात्रियों को समर्पित किया है। आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो हो तो हमारे साथ साझा करें, हमें info@awazthevoice.in पर मेल करें। अभी आपको गनाई साहब की सुर लहरियों के साथ छोड़ जाते हैं। दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।
हट्टा गंगा वसान छस्त जीवी तीवता विशीन ब्रह्मा छिस दस मस्त बखते बा